याद है आपको नरेंद्र मोदी जी का 2014 के भाषण, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल चली गए 125 ने, खाना को सरसों को तेल चली गए 200 पार, और घर का लोग गया तार तार, अब नहीं चलेगी मोदी सरकार। सही है गलत है? फिर एक नारद हो काला धन 15-15 लाख, ये कुणाल कहना भूल गया कि काकी ने भी बोलती थी एक लिए कि 15 लाख आओगा, कांग्रेस की काकी जो कांग्रेस और पंजाब के छोड़ा ही नहीं, काका ने भी दी दियो, छोड़ा ने भी दी दियो, बहू ने भी दी दियो, ये मालवी भाषा समझ में आ रही नहीं आ रही सर? सब ने दे दिया और हिसाब लगा लिया कि घर में 4 लोग हैं, 7 लाख बचेगा। तो बुढ़िया जी का हृदय बेचारा है, गलत तो नहीं गिरे हूं, सच है कि नहीं है? एक नारा और था, काला धन स्विस बैंक में रखा है स्विट्जरलैंड की, और वो गांधी परिवार का है, सोनिया गांधी कांग्रेसियों का है, एक भी कांग्रेसी नहीं मिले अभी तक, एक भी जिका काला धन स्विस बैंक में मिले, और 8 साल ही गया, 2 साल, 2 करोड़ रोजगार। रोज छोरा ना बेचारा ना इंदौर में, रतलाम में, भोपाल में, खंडवा में, खरगोन में, सब शहर ना में आंदोलन करिए, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, रोजगार तो नहीं मिले, पर जो 15x15 की शराब की दुकान थी वह 500x500 की हिगी की नहीं हिगी, हिगी की नहीं हिगी। ये नरेंद्र मोदी को 9 साल 8 साल है, इन सब बातों को जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा और देश में दिया नहीं, वो सब बातें छुपाने के लिए खाली एक ही धंधा, नफरत का, घृणा का, हिंदू और मुसलमान का, भाई से भाई को लड़ाने का। और ये टेलीविजन है, नहीं टेलीविजन मीडिया जो दिखा टीवी ना, ये सगड़ा भी 80% लोग, खाली थोड़ा जो अच्छा बचा है सगड़ा भी सजी सुजी नावा है, चश्मे वाले भैया और कोई गड़बड़ तो नहीं, सजी सुजी नावा वो खाली देश में नफरत फैला, रोज डिबेट ऐसी जिसमें लोगों के अंदर घृणा हो। राहुल गांधी ने कल कहा, एक युवा ने उनसे पूछा कि हमारे लिए आपका संदेश क्या है, तो उन्होंने कहा डरो मत, जो डरेगा नहीं वो नफरत करेगा नहीं, प्यार करेगा, प्रेम करेगा, गले लगाएगा, आत्मसात करेगा। कांग्रेस पार्टी थी जब देश आजाद हुआ, 50% लोग एक कपड़े में रहते थे कि नहीं रहते थे? अरे रहते थे कि नहीं? अपना बाप दादा या कांग्रेस थी, हर गांव में सड़क गई, नया गांव में स्कूल ना बढ़िया, ये सेना ने जैसा अपना आदिवासी क्षेत्र हिकमा कोई कसर नहीं छोड़ी, भूरिया जी ने इका पहला का कांग्रेस का नेता ना प्रभुराम गहलोत जी, पूरा देश में विकास आयो। पर बीजेपी का अंदा ला के दिखियो नहीं 70 साल में कहीं करो, और जैसे दिखियो कि बेचड़ा मंडी गया, ये बेच दो, वो बेच दो, वो बेच दो, वो बेच दो, 70 साल में जो कांग्रेस ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, सरकारी उद्योग, वो बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, तो फिर ये आरक्षण में जब प्राइवेट लोग ले लेंगे तो आदिवासियों को, दलितों को ये कैसे मिलेगा? प्राइवेट लोगों को तो आरक्षण मिलता नहीं है, इसका मतलब है पीछे के रास्ते से आरक्षण भी खा रहा है, ध्यान रखो इस बात। ये हमारे बच्चों को जिनको समानता का संविधान अधिकार देता है, या तो ये भावना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आप और हम सब मिलकर इस देश को बदलेंगे, बदलाव होगा। राहुल जी जब चलते हैं तो एक एक लाख लोग रोज उनके साथ चलते, आप लोग भी इंदौर आओगा तो आओगा कि नहीं आओगा? तो आप भैया जरा बस में की व्यवस्था करो, और हूं आप जगह धर्मशाला बुक करो, और तुम्हारे लिए रात को भी भोजन की व्यवस्था करो, और धन की भी करो, और तमाम सबको निमंत्रण देना आए हो, हर भैया बसों की व्यवस्था करना, और यहां से सब भारत जोड़ो यात्रा में आनू कि नहीं आनू? तुम्हारा हाथ उच्चा गरीब में तो आनू कि नहीं आनू?
भारत जोड़ो यात्रा में अपन ही चली सकता है। जब भगवान राम केकई का गेड़ा पर राजा दशरथ पर उनका वनवास भेज दिया 14 साल का नंगा पांव, तो उनके साथ कौन गया? सबसे पहला गरीब ना गया, केवट मिले नाव वालों, फिर सबरी मिली बोरवाड़ी, फिर मांगर सेना मिली, आदिवासी ना मिलिया। कोई उन्हीं टाइम का राजा रजवाड़ा भगवान राम के साथ रावण से लड़ना नहीं गया, गरीब नाच गया था। तो याद रखो, राहुल गांधी के साथ बड़ा बड़ा उद्योगपति नहीं आओगे ना संघर्ष की लड़ाई में, बड़ा बड़ा नेता ना नहीं आओगा। तम और हम गरीब आदमी संघर्षशील उनका जानू पड़ा। और इन्हीं यात्रा में जिन तरीका से लोग जुड़ी है, घर घर बदलाव है, दिमाग पर असर पड़ी हुई है, लोग ना विचार करी हुए। जो कट्टर बीजेपी का लोग था ये भी रोज देखा, ऊपर करा नीचा, ऊपर करा नीचा कर, भीड़ तो है यार, भीड़ तो है, करे कि नहीं करा? अरे करते कि नहीं करते? ऐसे मोबाइल लेते, अरे ये क्या भीड़ कैसे हो गई है, करे कि नहीं करा? जब सबकी लपू का ले रही है भारत जोड़ो से, ये तोड़ने वाला लोग ना डरी हुआ है, कही दिया है, अरे डरी हुआ है। तो इका लिए आप सबसे अनुरोध है, भारत जोड़ो यात्रा में आप सबको 27 तारीख को इंदौर में और 28 तारीख को उज्जैन में सभा है। तो हर भैया इंदौर के लिए भी निमंत्रण है और उज्जैन के लिए भी, जहां हमारे सेनाना के परिवार के लोग आएंगे, हम आपके भोजन की, रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं वहां करके तैयार रखें। साथियों, शिवराज सिंह चौहान 15-20 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, वो 15-20 साल से उठती थे बोल रही है मुंडो दुख रहे हो, मुंडो नहीं दुखो भाषण देते थे, पानी लो जरा, ये पानी भी नहीं मांगे, बोलते बोलते इतनी आदत पड़ी। तो जीना आदमी का 20 साल से सुनी गया है, भूख से जनता थकी कि नहीं थकी हो बताओ, थकी कि नहीं थकी? अब नवा नवा लोग आइए भाषण देने, तो शिवराज का भाषण का मैं भगाना कि नहीं भगाना? तो यही निवेदन है कि ये शिवराज सिंह चौहान रोज ये कहते थे भगवान है किसान मेरा, रोज ये कहते थे मैं पुत्र हूं किसान का, रोज कहते थे 1 लाख बार कह चुके कि डबल आय करनी है मुझे 2020 तक किसानों, रोज कहते थे खाद की कमी नहीं है, और लाइन में लोग लग रहे हैं। कल हमारा मनोज चावला जब खाद की बात ली, दुकान सोसाइटी में गया, खाद अंदर रखा था, पीछे के रास्ते से 100 रुपए 200 300 400 की बोरी सीधी डेढ़ी और डबल बेची देता, तो उसने विरोध किया, तो एफआईआर कर दी। भूरिया जी कलेक्टर को ठीक करना, अभी यहां से चल, याद रखना, यहां से जाके कलेक्टर से इस बात का हिसाब लेके खाद है नहीं, और जनप्रतिनिधि अगर किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो एफआईआर पुलिस का डर बताओगे? हम 5-7 विधायक अभी जाएंगे, बताओ एफआईआर हमारे खिलाफ करें? ये नहीं चलेगा, संघर्ष बड़ा है। बिजली की व्यवस्था कैसी है अभी सैलाना में, आफत है कि नहीं है? अरे बिजली की आफत है नहीं? तो ये शिवराज सिंह चौहान के कान में 1000 एकड़ का भूमि का बैंक है, तो हमने किसान ना से 1 लाख एकड़ जमीन छोड़ी है, ये खली कहा शिवराज सिंह जी? तो 1 लाख एकड़ किसान ना की जमीन की, उनका बच्चा ना दर्दा रिया, उनका बच्चा ना शराब पी रहे है, दारू पी रहे है, नशो कर रहे है, और तब उद्योगपति ना का ले एक बात और कि पुणे में महंगी है जमीन, दिल्ली में महंगी है जमीन, हमारे यहाँ सस्ती है जमीन, आओ हम आपको मुफ्त में देंगे। तो एक तरफ मुफ्त में दे दू, और हमारा किसान भाई ना की यहाँ की नहीं तो और कहाँ की, रतलाम की नहीं तो सैलाना की, उज्जैन की, देवास की, कान कहाँ की, तो छोड़ ही है। तो ये शिवराज सिंह चौहान का दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश की जनता समझ रही, और हरा भी दिया था 2018 में। खाद खरीदने का इनका गन पैसा है, विधायक खरीदने का इनका गन पैसा है, तो इना लोग ना ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विधायक कहे कि भैया तो 40 में भी कर गए रहे, वो भाई 50 में भी कर गए रहे, ये जितना बचा नहीं शेर ना है ईमानदार, इनके तो दम है नहीं, तुम्हारा ताली बजो तीन महीना कर लिए ताली महीना कर। अरे इना दो बजे 50-50 करोड़ में विधायक, 100 करोड़ में विधायक बिक रहा था, तब भी इना शेरना ने तुम्हारा एक वोट की कीमत की इज्जत रखी है,
मैं गौरवान्वित हूं लोकसभा झाबुआ रतलाम से, भूरिया जी से, कि ऐसे ईमानदार लोग एक भी बड़े बड़े धन्ना सेठ भी थे और मेरे आदिवासी भाई भी बिके यार, ताली बजाओ उनके लिए। तो मैं आज सबसे ज्यादा तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सेलाना से रिश्ता वैसा ही है जैसा रावण के परिवारजनों से। सेलाना का, प्रभु दयाल जी गहलोत साहब का, गुट्टू भैया का, उनके पूरे परिवार का रिश्ता थे आप सबसे भी, आप पूरे परिवार के हिस्से हो। जब 2000 वोट से गुट्टू भैया हारे थे, 2000 वोट से चुनाव हारे थे, तब हम सब बहुत दुखी थे। मैं भी था, मैं विधायक बन गया था, पर मैं भी बहुत दुखी। पर उस सम्मान को आपने लुटाया, अभी सम्मान वापस जाना तो नहीं दोगा पाछा? अरे जोर से बोलो यार, पक्को 101%। तो भूरिया जी, आपके छोरों के मंत्री मत बनो, जो एक बनो जो अगली बार हमारा ध्यान रखिए। शब्द सुनना, तम सब इनके विधायक 50,000 से बड़े भेजे भेजो, भूरिया जी इनका मंत्री बनाओ, रसा बनवाओगे कि नहीं? हाँ करो, ठीक है। भारत माता की जय, भारत जोड़ो यात्रा मानो सबका, तुम्हारे निमंत्रण दे रहा है। जय भारत, जय हिंद, जय आदिवासी।